ने कहा मंत्री मंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आना भी जरूरी है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। कहते हैं आरक्षण बचाओ, वो कहते हैं आरक्षण इंडिया अलायंस के लोग गलत। देखिए ये जो बात कह रहे हैं कि मैं आखिरी जो दिल्ली वाले और यूपी वाले जो कह रहे हैं कि अपनी जान दे देंगे या जान, वो डायलॉग मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन डायलॉग कुछ इस तरह का है कि वो कहते हैं हमारी जान चली जाएगी लेकिन आरक्षण पिछड़ों का नहीं छोड़ने देंगे। सच्चाई ये है न उनकी जान जा रही है न वो जान जोखिम में कर रहे हैं। इन्होंने पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। पी का मतलब है पीडीए, पी से पूर्वांचल भी है, पी से प्रोग्रेसिव भी है। तो पीडीए जो है परिवार वो प्रोग्रेसिव है, पीडीए परिवार में पूर्वांचल शामिल है, एनडीए है निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं और नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया। क्या जनता में ये आक्रोश था कि वाकई आरक्षण को कोई खतरा है, इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने ये नैरेटिव लाया? नहीं, कोई बीजेपी का नैरेटिव नहीं चलेगा। जो पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है, ये जाति जनगणना के खिलाफ है, ये किसानों की खुशहाली के खिलाफ है। इन्होंने किसानों को मारने वाले को टिकट दी, इन्होंने पेपर लीक कराने वालों का साथ दिया, नौजवानों की पक्की नौकरी, पक्की वर्दी पहनते थे वो आधी अधूरी की। ये न केवल देश को पीछे करना चाहते हैं बल्कि देश के लोगों को गरीबी में डालना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।